हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। माय नेम इज घनश्याम। वी रीड आउटसाइड बिकॉज इट इज संडे टुडे, सो माय कोचिंग इज क्लोज, सो आई केम हेयर टू शो सम थिंग्स एंड टू रीड सम थिंग्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फेसाइज़। एम्फेसाइज़ मीन्स होता क्या है, यानी वो ज़ोरदार, यानी किसी वाक्य में जब जोर दिया जाता है, किसी सेंटेंस में जब जोर या दबाव दिया जाता है, तो उस वाक्य को हम एम्फेसाइज़ कहते हैं। तो आज हम लोग एम्फेसाइज़ कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस को पढ़ेंगे, यानी कि कैसे वाक आएगा और हम उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलो आज हम लोग ये सीखें सिंपल वाक्य और एम्फेसाइज़ वाक्य में क्या अंतर है। जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए था, ये सिंपल वाक्य है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू शुड हैव गॉन देयर। लेकिन इसी वाक्य में अगर जोर दिया जाए, जैसे कहा जाए कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें जोर दिया जा रहा है, जाना ही चाहिए था, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे यू शुड हैड टू गो देयर। और दूसरे वाक्य को लीजिए, जैसे आपको भगवान को पूजा करना चाहिए था, तो ये सिंपल है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे यू शुड हैव वर्शिप्ड गॉड। और इसी सेंटेंस को अगर जोर दिया जाए, आपको भगवान का पूजा करना ही चाहिए था, तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, यू शुड हैड टू वर्शिप गॉड। तो इस तरह से जोर दिया जा रहा है, सेंटेंस पे दबाव दिया जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते। सो गाइड, तीसरा सेंटेंस ये है, जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो इसको सिंपल में हम कैसे कर सकते हैं, यू शुड हैव गॉन देयर। और इस वाक्य को अगर जब दबाव दिया जाए कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, तो ये दबाव दिया जा रहा है, एम्फेसाइज़ किया जा रहा है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कह सकते हैं यू शुड हैड टू गो देयर। तो ये दबाव दिया जा रहा है, तो इसलिए हैड टू का प्रयोग किया जा रहा है। हैड टू ये पास्ट टेंस है, तो इस तरह से सेंटेंस को हम जोरदार सूचक कहते हैं और एम्फेसाइज़ कहते हैं। जैसे कोई कह सकता है आपको गरीबों का मदद करना चाहिए था, तो ये सिंपल सेंटेंस है, पास्ट में लेकिन सिंपल है, तो इसको ट्रांसलेट हम कर सकते हैं यू शुड हैव हेल्प द पुअर। अगर इसी को दबाव देकर कहा जाए, एम्फेसाइज़ करके कहा जाए कि आपको गरीबों का मदद करना ही चाहिए था, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, को ट्रांसलेट करते समय हम ये कहेंगे यू शुड हैड टू हेल्प द पुअर। दिस इज ए हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल को देख करके मुझे कुछ वर्ड को याद आ गया। जैसे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आपको दवाई लेनी चाहिए थी, तो ये सिंपल है यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। अगर इसी को दबाव देकर कहा जाए आपको दबाव लेनी ही चाहिए थी, तो कैसे कर सकते हैं, You should had to take medicine। अभी सेंटेंस लो, जैसे कोई ये कह सकता है आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था, तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है You should have thought about me। अगर इसी सेंटेंस को दबाव देकर कहा जाए कि आपको मेरे बारे में सोचना ही चाहिए था, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, You should had to थिंक अबाउट मी। इस तरह से एम्फेसाइज़ वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हैड टू जो होता है वो पास्ट, मतलब पास्ट में होता है, और ये दबाव सूचक में हम इस तरह से हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए एक नदी है, रिवर्स नेम इज नाद नदी, दिस रिवर वाटर इज ए पॉल्यूटेड, सो एनी बॉथ द इन द रिवर्स। तो अब हम उसको जैसे हम मना उसको कैसे कर सकते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई कह दिया कि आपको इस नदी में नहीं नहाना चाहिए था, तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू शुड नॉट हैव बाथड इन द रिवर। अगर इसी सेंटेंस को हम दबाव देकर कहा जाए, एम्फेसाइज किया जाए, तो कैसे हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कोई कह दिया कि आपको इस नदी में नहीं नहाना ही चाहिए था, क्योंकि इसका पानी बहुत गंदा है, आपको इस नदी में नहीं नहाना ही चाहिए था, दबाव दिया जा रहा है, एम्फेसाइज़ किया जा रहा है सेंटेंस को, तो कैसे ट्रांसलेट हम कर सकते हैं, देखिए यू शुड नॉट हैड टू बाथ इन द रिवर। सो गाइड्स,
आई थिंक्स आई होप यू अंडरस्टूड और यू कैन मेक अलॉट ऑफ सेंटेंस दिस टाइप्स. सो आज का हम लोग का था एम्फेसाइज. एम्फेसाइज मीन्स जोरदार सूचक वाक्य. आज हम लोग ये पढ़े हैं और हम लोग घूम करके पढ़े हैं बिकॉज टूडे इट इज़ ए संडे टूडे. सो माई कोचिंग इज क्लोज. सो आई केम हेयर एंड आउटसाइड आई शुड दिस बीड यू टू ट्रांसलेट एम्फेसाइज सेंटेंस. आज हम लोग जोरदार सूचक वाक्य पढ़े हैं लाइक. सो गाइड्स आई थिंक यू अंडरस्टूड टूडे वी रेड्स एम्फेसाइज सेंटेंस. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो.